डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं किरण प्रजापति आपके लिए आज लेके आई हूँ वीडियो जो कि है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स से, विच इज़ अ चैप्टर वन ऑफ क्लास 8 मैथ्स। ओके, अगर आपको पता नहीं है तो मेरे चैनल पे आपको स्पेशली स्कूल मैथ्स के वीडियोस मिलेंगे एंड कुछ कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स भी मिलेंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं मोर अबाउट रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। तो बिफोर स्टार्टिंग विद रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर, लेट्स रिवाइज व्हाट इज अ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जो नंबर सारे 1 से स्टार्ट होते हैं एंड तक, मतलब कोई एंड ही नहीं है, अनकाउंटेबल है, सारे नेचुरल नंबर्स है। जब मैं बात करती हूँ होल नंबर की, तो होल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। सो 0, 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट इंटीजर्स, इंटीजर्स आर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स एंड 0। सो नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4 सो ऑन, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3। व्हेन आई से रैशनल नंबर्स, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिटन इन m अपॉन n फॉर्मेट, m बाय n या m डिवाइड n। हाँ, ये फॉर्मेट में हम हमारे रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। जैसे 8 है, तो 8 जो है 8 को मैं लिख सकती हूँ 16/2, राइट। -4 को मैं लिख सकती हूँ से -8/2, ठीक है। तो कोई भी नंबर्स को अगर आप m बाई n के फॉर्म में लिखते हो, और ये जो n है वो नॉट इक्वल 0 होता है, n शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो वैसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म m बाई n, जो भी नंबर m बाई n फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। m एंड n इंटीजर्स हैं, लेकिन जो n है वो 0 नहीं है, m बाई n होगा, ठीक है। m एंड इंटीजर्स होंगे, लेकिन n शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज़ द क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ रैशनल नंबर। चलिए फिर नेक्स्ट हम नंबर लाइन देखते हैं। अब जैसे आपने ऐसे नंबर लाइंस तो देखी होगी, अगर आपने ड्रॉ की होगी अब तक, तो ऐसी वाली नंबर लाइन ड्रॉ की होगी, राइट। 0, फिर 1, 2, 3 एंड दिस साइड -1, -2, -3, ठीक है। बट यहाँ पे अगर फ्रैक्शंस है, एम बाई एन वाले नंबर्स को अगर आपको डिनोट करना है, तो ये नंबर लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो 0 है, 0 के बाद 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन तीन पार्ट्स बनाए, देखो 1, 2, 3, 3 पार्ट्स है ना, 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं। सो इससे हो गया ये अपॉन 3। अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ, तो 0 के बाद 1 काउंट किया, तो 1/3 है। अगर मैं 1, 2 पॉइंट्स के बाद काउंट करूँ, तो वो 2/3 है। फिर ये पॉइंट को काउंट करूँ, तो ये है 3/3, यानी कि 1। फिर अगर ये काउंट करें, तो ये हो जाएगा 4/3। ये काउंट करेंगे तो ये होगा 5/3, ये जो होगा वो होगा 6/3। 6/3 यानी कि क्या, 2। तो देखो 2 लिखा हुआ है, पे n पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट, एक नंबर के। तो यहाँ पे n पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे 3 और 4 के बीच में कितने पार्ट्स है, 1, 2, 3, यस। सो इट इज अपॉन n पार्ट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यस, नाउ वी विल बी सॉल्विंग प्रैक्टिस सेट 1.1, जो कि बेसिकली क्वेश्चंस है नंबर लाइंस के ऊपर, तो काफ़ी ईजी होगा हमारे लिए ये भी करना। ड्रॉ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल, तो हर एक एग्जाम्पल के लिए आपको नया नया नंबर लाइन बनाना है। ये एक नंबर लाइन होगा, ये सेकेंड, इसके लिए थर्ड, और ये फोर्थ। मैं आपको दो नंबर लाइन के एग्जाम्पल्स देती हूँ, आप दो खुद से बनाइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, 3/2, 5/2, -3/2, ये रैशनल नंबर्स को मुझे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं पहले, तो सबसे पहले सेंटर में नंबर लाइन बना के मैंने 0 लिख दिया। अब ये अपॉन 2 है, यानी कि दो पार्ट है ना, अपॉन 2 है तो दो पार्ट्स। सो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, तो 0 और 1 के दो पार्ट्स इसमें डिवाइड कर लो, यहाँ पे डॉट डाला, देखो। सो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 और 2।
वन और टू को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये यहाँ पे एक डॉट डाल दो, तो देखो ये और एक पार्ट होगी ना वन एंड टू के बीच में, अपॉन टू बाई टू, फिर यहाँ पर थ्री लिख दिया, फिर ये साइड चले गए और यहाँ पे भी टू पार्ट्स कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस वन ले लिया, यहाँ माइनस टू ले लिया, फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी एक डॉट डालने से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमको ये नंबर्स चाहिए ना, थ्री बाई टू। थ्री बाई टू कैसे मिलेगा, ज़ीरो से काउंट करो, पॉजिटिव नंबर है ना, कहाँ जाना है, कौन से साइड जाना है हमको, राइट साइड, राइट। तो थ्री बाई टू, तो थर्ड पार्ट आएगा, क्या आएगा, थर्ड पार्ट। सो सी वन टू थ्री, सो यहाँ पे आपको मिलेगा थ्री बाई टू, ठीक है, एरो डाल दो। नेक्स्ट क्या है, फाइव बाई टू, काउंट करो ज़ीरो से, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, सो ये जो होगा वो आपका होगा फाइव बाई टू। अभी माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू यानी कि नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर कहाँ मिलेगा आपको, लेफ्ट साइड में। सो काउंट करना चालू करो, माइनस थ्री ना थ्री, थर्ड पार्ट, वन टू थ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस थ्री बाई टू, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, तो ये आपके तीनों नंबर्स आपने शो कर दिए। अभी जो सेकेंड क्वेश्चन है वो सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे क्या है, सेवन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव माइनस फोर बाई फाइव, सो बाई फाइव यानी कि एक दो नेचुरल नंबर्स के बीच में, सॉरी यहाँ पे नंबर्स नॉट नेचुरल नंबर्स, जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें देखो क्या है, सेवन बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव माइनस फोर बाई फाइव यानी कि बाई फाइव यानी अपॉन फाइव, फाइव पार्ट्स है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे ज़ीरो लिख देती हूँ, यहाँ पर वन लिख देती हूँ, यहाँ पे टू लिख देती हूँ और ये साइड मैं लिख देती हूँ माइनस वन और माइनस टू, ठीक है। अब अपॉन फाइव तो फाइव पार्ट्स करना है ना, सो वन पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ हो जाता है, फिर इसके बाद से वापस से फाइव, ये यहाँ पे है ना, ये फिफ्थ हो गया, फिर यहाँ पे वन, फिर टू, फिर थ्री और ये सॉरी फोर और ये फाइव, ठीक है। मेरा थोड़ा यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, पर ठीक है, आप ध्यान से बनाइएगा इक्वल डिस्टेंसेस के साथ। हाँ, अब यहाँ पे वन टू, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड यहाँ पे फिफ्थ पार्ट आ गया, वापस से वन टू थ्री फोर और यहाँ पे फिफ्थ पार्ट आ गया, राइट। अभी काउंट करना है, सेवन बाई फाइव पॉजिटिव नंबर, गो टू द राइट साइड, सो काउंट सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यानी कि इधर, तो ये मैंने लिख दिया सेवन बाई फाइव। फिर क्या है, माइनस टू बाई फाइव, सो काउंट करो, वन टू, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू बाई फाइव ये नंबर पे। फिर क्या है, माइनस फोर बाई फाइव, सो काउंट करो, ज़ीरो से काउंट करो, वन टू थ्री फोर, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस फोर बाई फाइव। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन, सो विच नंबर इज इंडिकेटेड बाई पॉइंट बी, बी किधर है, चलो बी इधर है, कौन सा नंबर है। तो पहले तो आप ना से ज़ीरो और वन के बीच से हम लोग देख लेते कितना पार्ट है, सो वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट्स है, फोर पार्ट्स यानी कि अपॉन फोर हो जाएगा, बट हमारा बी तो यहाँ पे है, तो हम कैसे काउंट करेंगे, ज़ीरो से काउंट करना चालू करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड दिस इज़ टेन, सो यानी कि टेन नहीं लेकिन नेगेटिव है ना, तो माइनस टेन बाई फोर, सो माइनस टेन बाई फोर जो है वो इंडिकेटेड बाई पॉइंट बी है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर वन थ्री बाई फोर, सो वन थ्री बाई फोर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल करो, कैसे करना है, यहाँ पे इंटू करना है और ऊपर प्लस करना है, सो ये होगा वन इंटू फोर, वन इंटू फोर करना है, फिर ऊपर प्लस थ्री कर देना, प्लस थ्री द होल अपॉन फोर, सो वन इंटू फोर फोर, फोर प्लस थ्री अपॉन फोर यानी कि सेवन अपॉन फोर। सेवन अपॉन फोर कहाँ मिलेगा अभी आपको,
सेवन अपॉन फोर आपको कहाँ मिलेगा, पॉजिटिव साइड, राइट साइड ना, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन अपॉन फोर कौन सा पॉइंट है, सी, सो पॉइंट सी इंडिकेट्स द नंबर 7/4, ठीक है, या फिर 1 3/4। थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। डी कहाँ पे है, यहाँ पर है ना, डी काउंट करना चालू करें, यहाँ पे तो हमको 7/4 आ गया था, ये 8/4, 8/4 देखो 2 होता है ना, फिर 9/4, 10/4 क्या है, ये 10/4, सो पॉइंट डी क्या है, 10/4। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये हो जाएगा ना, 2 में जाता है, 2 में 5 टाइम्स जाता है, और 2 2 4, सो 5/2, तो ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट, ट्रू है, 10/4 बोलो या 5/2 बोलो, तो स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ द नोटिफिकेशंस। थैंक्स।